वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब्स इन योर पॉकेट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थैंक यू से। आप सब लोगों को अ ह्यूज थैंक यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ अड्डा 24/7 हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस को इतना लाइक और शेयर और अप्रिशिएट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी हाउ टू हैव द परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज फॉर एनी इंटरव्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इतना ज्यादा इम्फेसिस क्यों डालती हूँ, तो इसका जवाब ये है दैट कम्युनिकेशन स्टार्ट्स इवन बिफोर यू ओपन योर माउथ। जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हम करते हैं हर बार, वो शुरू हो जाते हैं जब आप बोलते भी नहीं हैं उसके पहले से। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में 70% इंफॉर्मेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज अचीव करने के टिप्स के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पैरों की पोजीशन से। जब भी आप किसी से खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपके पैरों को आपके कंधे की चौड़ाई के बराबर खोल के रखना होगा और बाहर की तरफ खुला होना चाहिए। इससे पता चलता है एक ओपन बॉडी लैंग्वेज का। ओपन बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके काम और कॉन्फिडेंट होने का एक साइन होती है। अब आते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और आपके हाथों की पोजीशन की बात करते हैं। कभी भी किसी भी फॉर्मल सिनेरियो में आप अपने हाथों को जेब में नहीं रखेंगे। दूसरी चीज, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं डू नॉट फोल्ड योर हैंड लाइक दिस। हाथों को ऐसे फोल्ड करने से आप बताते हैं कि आप नर्वस हैं या आपको डर लग रहा है। इसी बॉडी लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, और ऐसा करना कभी भी एक अच्छा साइन नहीं माना जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग अबाउट योर हैंड, बहुत सारे लोगों को आपने खुद भी देखा होगा कि वो बात करते वक्त या तो अपने फेस को टच करते हैं या फिर सर को हाथ पे यू टिल्ट करके खड़े होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट नो। कभी भी इस तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करना एक सजेस्टेड मूव नहीं होता है। तो अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिनको हम कहते हैं जेस्चर्स या फिर हाव भाव। किस तरीके से आप अपने सामने बैठे हुए लोगों को ये बता सकते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट और स्मार्ट पार्टिसिपेंट या फिर एस्पिरेंट हैं। मान लेते हैं कि या तो आप किसी प्रेजेंटेशन के बीच में हैं या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपके हेड का पोजिशन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ना ही ज्यादा नीचे और ना ही ज्यादा ऊपर, बस स्ट्रेट। क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा नीचे देख के बात करते हैं तो लोगों में ऐसा परसेप्शन बनता है कि आप सबमिसिव हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो जल्द से जल्द सरेंडर कर देना चाहता है या कर देगा। अब मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे मूव जो आपको किसी भी तरह की ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर 1 गिव, नंबर 2 शो, एंड नंबर 3 चॉप। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये तीनों पॉइंट्स, क्योंकि अभी तक तो समझ आया नहीं होगा। तो सबसे पहला, जब भी आप सामने वाले को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जानकारी दे रहे होते हैं, तो यूं अपने हाथों को बाहर करिए और पाम को ऊपर की तरह ओपन करके अपने पॉइंट को रखिए। पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम मैंने आपको बताया शो, उसमें आपको क्या करना होता है कि जब आप सामने वाले को कोई एक्सप्रेशन देना चाहते हैं या किसी तरीके की इमोशंस को कन्वे करना चाहते हैं, तो अपने मूवमेंट्स को बहुत कैलकुलेटेड रखिए। मान लीजिए आप बताना चाहते हैं ओ आई लव माय ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप यूं अपने हाथों को हर दिशा में चलाएंगे तो उससे आपका सामने वाला ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अपने हाथों के मूवमेंट को कैलकुलेटेड रखिए, ऐसे रखिए कि सामने वाले का ध्यान नहीं भटके। तो अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे जिसका नाम था चॉप। तो जब भी आप अपनी किसी बात को एक प्रॉपर कंक्लूजन देना चाहते हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट के साथ खत्म करना चाहते हैं, आपको अपने हाथों को एक इस तरीके से चलाना होगा। कई बार लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपने हाथों को जोर से झटकते हैं, सर पे मारते हैं। ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, ऐसा करना बहुत ज्यादा गलत होता है। आप एक इंटरव्यू में हैं या फिर आप एक फॉर्मल सिचुएशन में हैं, सिनेरियो में हैं, तो वहां पे आपको अपने आप को एक इरिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह दिखाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड वेल मैनर्ड। बॉडी लैंग्वेज सेशन का लास्ट पॉइंट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने सामने वाले ऑडियंस को एंगेज करके रखना है। और जब मैं बोलती हूँ सिर्फ सामने वाले ऑडियंस नहीं,
ऑडियंस यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबके साथ इंटरैक्ट करना होगा। अभी तो मुझे पता है कि आप मेरे सामने हैं, तो मैं आपकी तरफ देख के बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे ऑडियंस हर तरफ होंगे तो मैं उन सबको देख के बात करूंगी और सेम सजेशन आपको भी दूंगी। इंगेजिंग को लेके एक दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर अपनी बातों में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है या फिर इंटरव्यू कैंडिडेट्स भी अपनी इंफॉर्मेशन में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका पूरा पैनल कई बार फोन में बिजी होता है, कभी लैपटॉप देख रहा होता है या शायद एक दूसरे से बात कर रहा होता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कैंडिडेट है वो कंटिन्यू रखता है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना। ऐसे टाइम पे इट्स ऑलवेज ओके टू स्टॉप और आप सामने उनसे पूछ सकते हैं कि सर शुड आई कंटिन्यू या फिर क्या मैं जारी रखूं एटसेट्रा। एक आखिरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो अपने हैंड मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जब आपके पाम्स यूं ऊपर होते हैं और ओपन होते हैं तो एक स्टडी में ऐसा पता चला है कि 82% ऑफ योर ऑडियंस गेट्स कन्विंस्ड। 82% लोग जो आपके ऑडियंस में होते हैं वो आपकी बात से कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप अपने पाम को यूं नीचे करके किसी भी बात को उन तक कन्वे करेंगे तो सिर्फ 52% लोग आपकी बात मानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और जरूरी चीज, कभी भी यूं पॉइंट करके किसी की तरफ बात नहीं करिएगा। जैसे अभी मैंने आपकी तरफ पॉइंट किया तो आपको भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा, लगा तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने आज के सेशन के एंड पे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग दीज वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7।